वीडियो है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एवर व्लॉग। आज मैं बहुत देर से सो के उठी हूँ एंड सॉरी मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा नॉइस होने वाला है क्योंकि मेरा जो घर है वो एकदम रोड साइड पे है तो बहुत ही हमेशा हल्ला रहता है। तो इग्नोर दैट एंड यस तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा दिन। सॉरी मेरी हिंदी बहुत खराब, बहुत ही नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं है मेरी हिंदी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से बोलूँ और मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाती हूँ जब भी मैं कैमरा में हिंदी बोलती हूँ। ज़्यादा बकबक ना करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सॉरी इट्स अ व्लॉग राइट। ओके सो लेट्स स्टार्ट माय डे। पानी इज सो इंपॉर्टेंट, आई लव ड्रिंकिंग वाटर, यू शुड स्टे हाइड्रेटेड ऑल डे। अभी चलिए चलते हैं, मैं अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। दीदी आ गई है। तो मैंने रात को ही स्प्राउट्स भिगो के रखे थे और ये है सोफ्ट आमंड्स और इसे क्या बोलते हैं खजूर, और ये है मेरा पोमोग्रेनेट। आ गई हूँ ये अनार छिल छिल के, मुझे पता नहीं कि इसे छीलने में बहुत दिक्कत होती है। तो फाइनली मैंने अनार छिल ली है, अभी मैं सेकूंगी ब्रेड और ब्रेड में थोड़ा सा लगा लूँगी बटर, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ही लगाती हूँ मैं, लेकिन मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। और ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट रेडी और मैं ये अपना ब्रेकफास्ट करते करते मैं कर रही थी आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें और फिर मुझे याद आया कि मुझे एडिटिंग करना है तो मैंने एडिटिंग चालू कर दी। और एडिटिंग के साथ मुझे याद आया मुझे कुछ डिज़ाइन करना था तो मैंने अपना डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। फिर मेरे दोस्तों ने बुलाया जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं उनके एडिटिंग के लिए, जिसके लिए मुझे पैसा नहीं मिलता, मैं मुफ्त में उनका एडिटिंग कर देती हूँ हमेशा। गाइस आई एम डन विद माय एडिटिंग, सो नाउ आई विल गो एंड सम लंच फॉर मी, आई एम हंग्री नाउ। इट टुक मी सो लॉन्ग टू डू माय एडिटिंग, सो आई डोंट नो व्हाट टू मेक नाउ। आई एम रियली वेरी हंग्री एंड आई वांट टू मेक समथिंग रियली क्विक, सो आई थिंक आई विल मेक दाल चावल। That's my everyday thing. I love dal chawal. I can have dal chawal every day. So I think I'll just make dal chawal quickly. So I have soaked my mixed dal and rice. मैंने अभी 15 मिनट से ये दाल से धोके रखा है तो मैं अभी इसको डाल दूँगी इधर प्रेशर कुकर में और अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगा। तो ये हो गया मेरा खाना बनाना चालू। मेरा मसाला बॉक्स है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक। अभी बारी है सब्जी काटने की, मैंने सारे सब्जी धो ली है। अभी मैं पहले काटूंगी प्याज, फिर हरी मिर्च और लहसुन और टमाटर। अभी बनाने वाले दाल और ये है मेरी दाल बनाने का तरीका। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के साथ अपना रेसिपी शेयर करूँगी। और हाँ, मेरे से सारे स्प्राउट्स ख़त्म नहीं हुए इसलिए मैंने दाल में डाल दिए थे। हमारा दाल बनके रेडी हो गया है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और डालेंगे इसके ऊपर कटा हुआ धनिया। धनिया मेरी फेवरेट है। टाटा अभी परोस दिया है मैंने अपना खाना और ज़्यादा ही कुछ भर दिया है मैंने अपना प्लेट वीडियो के लिए, तो पता नहीं मैं खा पाऊँगी या नहीं, तो चलिए खाते हैं। और वापस से मेरी बकबक चालू थी। हाँ खाना तो बहुत अच्छा बना था। अभी हो गया मेरा खाना खत्म, बहुत ज़्यादा पेट भर गया है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ बाहर में कितना अच्छा बारिश हो रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है ये पायल रोहतागी जो बिग बॉस से है उसका स्टॉल है, आपको पता ही होगा। गाइस बहुत देर से मैं अभी इंस्टाग्राम रील्स देख रही थी और मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। अभी मैं करूँगी कुछ प्रोडक्टिव, मैं करूँगी कंटेंट क्रिएट। और अभी कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैं अपने फ़ोन का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो
लेती हूँ और मेरे पास कैमरा नहीं है तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती कि मैं क्या मतलब क्या कॉन्टेंट क्रिएट करने वाली हूँ आज, और लुक भी मैं कल ही रिव्यू करूँगी तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो कॉन्टेंट बनाने के बाद मैं वापस से आती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं आज पूरा दिन क्या करती हूँ। बाय। हाय गाइस, आई एम बैक अगैन। मेरा कंटेंट बन चुका है, बहुत फटाफट से जल्दी बना चुकी हूँ। अभी शाम हो गई है और अंधेरा भी हो गया है, सो अभी मैं जाके पीऊँगी चाय। ये मैंने बना लिया है चाय, और मैं दूध वाली चाय नहीं पीती थी, मैं ब्लैक टी पीती हूँ, जो कि एसमीस में बोला जाता है लालसा और बंगाली में बोलते हैं लाल चाय। मैं चाय के साथ पीने वाली हूँ, खाने वाली हूँ डाइजेस्टिव बिस्किट और डाइट पोहा। इस व्लॉग में मैं शायद पूरा ही अपना खाने का वीडियोस ही डालूंगी क्योंकि मैं पूरा दिन खाती रहती हूँ। और मैं कॉफ़ी वाले कप में चाय पी रही हूँ, और अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा खाना खाती हूँ। तो ये रहा मेरा खाना खाने का ब्लॉग। तो यस गाइस, मैं जिम नहीं गई, मैंने मिस किया, और मैं बनाने लगी डिनर अपने दोस्तों के घर जो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, और साथ ही साथ मैं नाचने लगी। वो बैकग्राउंड में वो गाना बज रहा था जो विकी कौशल ने डांस किया, फेमस हो गया था। तो ये हो गया मेरा बनके तैयार पुलाव और दम आलू, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। रेसिपी के लिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर हमने मज़े से डिनर कर लिया था, जिसका वीडियो है नहीं मेरे पास, उन्होंने वापस से मुझे बिठा दिया एडिटिंग के लिए, और मैं उनका एडिटिंग करने लगी। हाय, मैं खाना खा के फिर थोड़ा देर मैंने एडिटिंग किया, फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से बात की, फिर मैं बस अभी नहा के आई हूँ। मैं यूजुअली रात को नहाती हूँ क्योंकि मुझे रात को नहाना ज़्यादा पसंद है। अभी मैं जाने वाली हूँ बीच, जो कि मेरे घर के बहुत पास है। पैदल जाओगे तो 7-8 मिनट लगता है, और मैं घर वाले कपड़े में ही चली जाऊँगी क्योंकि बहुत पास में, और मैं हर रोज़ रात को जाती हूँ, मतलब हर रोज़ कोशिश करती हूँ जाने की क्योंकि मुझे बीच बहुत पसंद है और मेरे घर के पास ही है। और तो ये हम निकल गए पैदल ही बीच के लिए। ये मेरा दोस्त है, तेरे को सुंदर आना है, मेरा मुंह इतना मुंह। अरे नहीं रे, तू देख, मैं साथ आऊंगा ना तो दिखूंगा नहीं, अभी बोल। और रास्ते में ही आता है नेचुरल्स, जो कि मेरा फेवरेट है। उधर का टेंडर कोकोनट हमेशा मेरा फेवरेट रहता है। तो कीवी पाइनएप्पल है, न्यू में गाजर, जिससे मस्त स्मेल हो ना, सॉफ्ट चीज हो। तो सॉफ्ट में कौन कौन सा है? सॉफ्ट क्या सॉफ्ट होता है, मतलब ज्यादा मीठा? मैं टेंडर कोकोनट लूंगी। कोर्ट का लेमन कर, नहीं नहीं कोकोनट, टेंडर वीडियो
और फिर हम आइसक्रीम खाते खाते चल दिए बीच की ओर, जो कि बहुत ही पास में था। मुझे पता है ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है रात को मीठा खाना, आइसक्रीम खाना, यार इन जनरल रात को खाना खाना, लेकिन मुझे आइसक्रीम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली नेचुरल्स का टेंडर कोकोनट। और ये रास्ता आप पहचान सकते हो। तो अब हम पहुंच गए बीच, और बीच के पास में है ये कॉफ़ी बाय टी बेला कैफ़े, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए बीच की ओर। ये वाला है वर्सोवा का बीच, जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे जुहू बीच से ये बीच बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली रात को। इसका माहौल कुछ अलग ही होता है, बहुत ही प्यारा होता है, लगता है कि आके इधर ही सो जाओ रात को। हम काफ़ी देर बैठे वर्सोवा बीच में, और मैं अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, क्योंकि मुझे उसे तंग करना पसंद है और वो ज़्यादातर इरिटेट होता भी नहीं है मेरे से तो मैं उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, और हम मज़े कर रहे थे, गाना गा रहे थे, और हाँ हम 2 घंटे तक बैठे थे और बातें कर रहे थे और मज़े ले रहे थे। और बहुत देर तक बीच में मज़ा करने के बाद और दोस्त को तंग करने के बाद हम वापस आ गए रात को घर। रात के 2 बजे भी बॉम्बे के रास्ते में इतने लोग रहते हैं, आप देख ही सकते हो, लगता ही नहीं है। आ गई अपने घर, सभी फ्रेश में पहुँच के सोने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, गुड नाइट, बाय। तब तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और नींद भी आ रही थी। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।